हेलो औरंगाबाद कर, तुम्ही ऐकताय MGM 90.8 FM साथ है तो बात है। शो चालू आहे आपला आणि आरजे अमृता आहे तुमच्या सोबत। आज एक खूप स्पेशल दिवस आहे, आज आहे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आणि त्या निमित्ताने माझ्या सोबत आहेत आपल्या औरंगाबादचे लाइफ स्किल्स एक्सपर्ट परवेज सर। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले हमें आपके बारे में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज परवेज खान। I am a life skills coach, corporate trainer, motivational speaker and a psychology counselor. पिछले कई सालों से मैं देश भर के अलग अलग शहरों में soft skills, employability और communication skill के workshop ले चुका हूँ और 50 से ज्यादा शहरों में करीब 1.5 लाख से ज्यादा students और working officials मेरे इस training workshop से फायदा उठा चुके हैं। हमारी एक training institute है जिसका नाम है Key Life Skills और इस institute में हम बहुत सारे soft skill training प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं keylifeskills.in। keylifeskills.in या वेबसाइटला औरंगाबाद कर तुम्ही सुद्धा नक्की विजिट करा। तो सर, मेरा पहला सवाल है कि यूथ स्किल्स डे क्यों मनाया जाता है? यूथ स्किल्स डे दुनिया भर में 15 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया भर में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने नवंबर 2014 को एक रेजोल्यूशन पास किया और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। यूथ स्किल्स डे की शुरुआत का मकसद युवाओं में स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग और उसकी जागरूकता है ताकि सोसाइटी की सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रगति हो सके। इस दिन की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब कोरोना पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से लाखों कंपनीज बंद हो रही है और करोड़ों लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। इन हालात में यूथ स्किल्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है ताकि जिन लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं और नौकरियां चली गई है वो अपनी स्किल्स की बिना पर अपने रोजगार का रास्ता तलाश कर सके। और ये पहली बार नहीं है जब किसी महामारी के बाद टेक्निकल और स्किल्स ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि करीब 100 साल पहले 1910 में ऑस्ट्रेलिया में भी टाइफाइड महामारी के बाद टेक्निकल एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया गया था। यूथ स्किल्स डे का साजरा केला जातो हे आपल्याला सरांनी सांगितलं। आजच्या दिवसाबद्दल आणि यूथ स्किल्स बद्दल आपण सरांकडून अजून बरीच माहिती घेणार आहोत। तोपर्यंत कुठे जाऊ नका, इथेच थांबा आणि ऐकत रहा आरजे अमृता सोबत MGM 90.8 FM साथ है तो बात है। वेलकम बैक औरंगाबाद कर, तुम्ही ऐकताय MGM 90.8 FM साथ है तो बात है। शो चालू आहे आपला आणि आरजे अमृता आहे तुमच्या सोबत। आज आहे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आणि त्या निमित्ताने आपण गप्पा मारत आहोत आपल्या औरंगाबादचे लाइफ स्किल्स एक्सपर्ट आणि मोटिवेशनल स्पीकर परवेज खान सरांसोबत। तो सर, हमें बताइए, बदलते वक्त के हिसाब से हमें हमारी स्किल्स बदलना कितना इम्पोर्टेंट है? बदलते वक्त के साथ एक इंसान के अंदर उसके स्किल्स में लगातार बदलाव होते रहना चाहिए। इट इज द टूल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि आपकी एज, जरूरतें, माहौल बदल रहा है और अगर स्किल्स नहीं बदल रहे तो आप चाहे कर भी अपनी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चा जब तक स्कूल कॉलेज नहीं जाता तब तक उसमें उतनी ही स्किल्स होती है जितनी उसको घर में रहने के लिए जरूरी है। जैसे अगर उसे कुछ चाहिए तो वो अपने पेरेंट्स से मांग कर, जिद करके या आखिरी तरीका है रो कर हासिल कर लेता है, मगर उसकी ये सारी तरकीबें स्कूल कॉलेज में काम नहीं आती क्योंकि स्कूल में कॉलेज में लोग उससे इमोशनली अटैच नहीं होते हैं और हर कोई सेल्फ सेंटर्ड है, हर किसी को अपनी फिक्र होती है। समय के साथ साथ अगर स्किल्स डेवलप होती है तभी आप कंपटीशन में रहते हो, वरना यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। इसलिए वक्त, हालात और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या स्किल है, तो खुद के स्किल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? अपनी स्किल्स के बारे में पता करने के कई तरीके हैं। जैसे सबसे पहले तो आप मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करें, कई सारी एक्टिविटीज में हिस्सा ले और उस एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के बाद अपने आसपास के लोगों से सलाह ले और लोगों के जो भी जीनियन फीडबैक्स होते हैं उनको नोट करें।
अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करें और अपने परफॉर्मेंस को चेक करें कि उसका इम्पैक्ट कितना है और उसका जो रिजल्ट है उसका एक्यूरेसी परसेंटेज कितना है। और जिस किसी एक्टिविटी में, जिस किसी स्किल में आपका एक्यूरेसी परसेंटेज ज्यादा होता है, इट मींस आप उस काम में माहिर हो। अब आपको करना यह है कि आपको उसमें और महारत हासिल करनी है और उसको डेवलप करते रहना है। यहाँ पे सिर्फ स्किल्स बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि कमजोरियों को कम करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आसान फॉर्मूला होता है जिसे SWOT एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है जिसके बिना पर हम अपनी स्किल्स और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और वीकनेसेस को कम कर सकते हैं। अपनी स्किल्स और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद जो कोई भी स्किल जरूरी होती है उसके मुताबिक हमको लर्निंग आगे बढ़ानी चाहिए। बदलत्या काळासोबत आपले स्किल्स बदलून आपण अपडेटेड राहणं आणि स्वतःचे स्किल्स कसं ओळखायचं हे सरांनी आपल्याला सांगितलं। अजून बऱ्याच गोष्टी सर आपल्याला सांगणार आहेत, तेव्हा कुठेच जाऊ नका, इथेच थांबा आणि ऐकत रहा आरजे अमृतासोबत MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। आरजे अमृतासोबत तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। आज आहे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आणि त्यानिमित्ताने आपण गप्पा मारत आहोत आपल्या औरंगाबादचे लाईफ स्किल्स एक्सपर्ट आणि मोटिवेशनल स्पीकर परवेज खान सरांसोबत। सर, आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स लेते हैं, तो उन प्रोग्राम्स के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, हमारी जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम ही है की लाइफ स्किल्स। वैसे तो बहुत सारी स्किल्स है जो एक इंसान को सीखते रहना चाहिए अपने माहौल के एतबार से, अपने प्रोफेशन के एतबार से, लेकिन कुछ लाइफ की स्किल्स होती है जो हर किसी को सीखना चाहिए, जिसे हम की लाइफ स्किल्स कहते हैं। वो क्या है, तो आप अगर हमारी वेबसाइट keylifeskills.in पर विजिट करते हैं तो वहां पर आपको ये सारी कोर्सेज के बारे में पता चलेगा, जिसमें सबसे जो प्राइम कोर्सेस है वो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, माइंड प्रोग्रामिंग, इंटरव्यू स्किल्स। तो स्किल्स भी जो है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, जैसे कि एक स्किल्स होती है रिफ्लेक्टिव स्किल्स और एक होती है प्रिजर्विंग स्किल्स। रिफ्लेक्टिव स्किल्स में होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका रैशनल बिहेवियर जो कि लोगों को दिखाई देता है, और प्रिजर्विंग स्किल्स वो होती है कि जो सिर्फ आपको पता होता है कि कितना ये डेवलप हुआ है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, लीडरशिप स्किल्स है, ठीक है, ये ऐसी स्किल्स है कि आपको पता चलता रहता है कि ये कितनी डेवलप हुई है। तो हमारे कोर्सेज में जो सबसे ज्यादा हम जो कोर्स रन करते हैं उसमें है कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरव्यू स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, अगेन बिकमिंग बिजनेस प्रोफेशनल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और ऐसे बहुत सारी स्किल्स उसमें शामिल है। आप अगर हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको पता चलेगा। सर, आपने यूथ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो हमें बताइए कि आज के घड़ी में जो यूथ है, तो वो यूथ एंड अभी के जो उनके स्किल्स है, तो इनके बारे में कुछ बताइए। आज अक्सर नौजवानों को मैं देखता हूँ कि वो शॉर्टकट ढूंढते हैं बिना लर्निंग कि वो किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और जब फेल होने पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और ये सारे बैड एक्सपीरियंस मिलने के बाद उनको लगता है कि अब मुझे सीखना चाहिए, और जब वो सीखने की कोशिश करते हैं तब तक तो या तो उम्र हो चुकी होती है या मौके हाथ से निकल चुके होते हैं। तो आज के युवा वर्ग में जो सबसे ज्यादा चीज की कमी है वो ये कि लर्निंग बेस्ड एग्जीक्यूशन बहुत कम है। पहले एग्जीक्यूशन है, उसके बाद लर्निंग है, तो ये बिल्कुल परेशान करने वाली चीज है। मिसाल के तौर पे आप कोई कारोबार चलाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपके डायरेक्ट एजुकेशन के बाद जो कुछ भी आपके पेरेंट्स के पास सेविंग्स है वो लेकर आप बिजनेस में उतर जाते हो। अब ना आपके पास एक्सपीरियंस है, ना आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और ना आपको उस प्रोफेशन के अप्स एंड डाउन्स पता है। अब होता यह है कि इतना बड़ा अमाउंट लेकर आप मार्केट में उतरते हो, और जब आपको लॉसेस होते हैं, जब आपको नुकसान होता है, आप उससे ओवरकम नहीं कर पाते, उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो। और जब तक आप ये सारे बिजनेस के अप्स एंड डाउन सीख चुके होते हैं तब तक आपका पूरा रिसोर्सेस खत्म हो चुका होता है। तो यह होना ये चाहिए कि भले ही आपके पास रिसोर्सेस है, भले ही आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन कुछ टाइम आप एज अ ट्रेनी,
एज अ इंटर्नशिप, एज अ प्रोजेक्ट, किसी कंपनी में आप अपना टाइम दे, वहां पर उस प्रोफेशन को सीखे, उसके अप्स एंड डाउन्स को पता चले, एक्सपेरिमेंट्स करे और डूज एंड डोंट्स सीखने के बाद फिर आप मार्केट में उतरेंगे तो उम्मीद है कि आपको नुकसान कम होगा। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आजकल युवाओं में ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है कि वो लर्निंग बेस्ड एग्जीक्यूशन को अवॉइड करते हैं, पहले एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और जब नुकसान होता है तब लर्निंग करते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है। औरंगाबादकर आजच्या वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे निमित्त आपल्या परवेज सरांसोबत गप्पा अशाच सुरू राहतील, कुठे जाऊ नका, इथेच थांबा, एकत्र रहा आरजे अमृतासोबत एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है। वेलकम बैक औरंगाबादकर, तुम्ही ऐकताय एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है, शो चालू है आपला आणि आरजे अमृता आहे तुमच्यासोबत। आज आहे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आणि त्यानिमित्ताने आपण गप्पा मारत आहोत आपल्या औरंगाबादचे लाईफ स्किल्स एक्सपर्ट आणि मोटिवेशनल स्पीकर परवेज खान सरांसोबत। सर, एक आखरी सवाल, आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर आप औरंगाबाद के यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, यूथ स्किल डे के मौके पर औरंगाबाद और इस जैसे जो छोटे टाउन्स है वहाँ के युवाओं को मेरा एक ही मैसेज है कि एवरी सक्सेस एंड फेलियर इज जस्ट अ मैटर ऑफ हैविंग सम स्किल्स और लैकिंग सम स्किल्स। यानी आप कहीं पर भी हो, चाहे आप मेट्रो सिटी में हो, स्मॉल टाउन में हो या विलेज में हो, आप किसी भी हाई लेवल तक जा सकते हो, क्योंकि आज के इस दौर में सक्सेस और फेलियर ये सिर्फ कुछ स्किल्स के होने की वजह से है या नहीं होने की वजह से है। तो औरंगाबाद के यूथ को मेरा यही मशवरा है कि जब भी मौका मिले अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करें, और अगर लाइफ के अर्ली स्टेज में सॉफ्ट स्किल डेवलप कर ली जाए तो आपकी आगे की जिंदगी आसान और खुशगवार हो जाती है। जैसे 10वीं के बाद, 10th के बाद कम से कम 6 महीने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट स्किल डेवलप करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दौर में कोई कोर्स या कोई डिग्री ज्यादा देर तक अपनी वैल्यू बरकरार नहीं रख पाती है। मगर हाँ, ह्यूमन स्किल्स, पीपल्स स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इनकी अहमियत हर दौर में और हर फील्ड में हमेशा रहने वाली है और ये हमेशा बरकरार रहेगी। और ये सॉफ्ट स्किल्स आपको न सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आती है बल्कि आपकी सोशल लाइफ को ज्यादा इफेक्टिव और पर्सनल लाइफ को ज्यादा सुखी और आसान कर देती है। सो मेरा मशवरा यही होगा कि अपने सॉफ्ट स्किल्स को, अपने टेक्निकल स्किल्स को आप जितनी जल्दी डेवलप कर सके वो आपके आगे की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। थैंक यू सो मच सर। औरंगाबादकर, आज अपन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे निमित्त आपल्या औरंगाबादचे लाइफ स्किल्स ट्रेनर आणि मोटिवेशनल स्पीकर परवेज खान सरांसोबत गप्पा मारल्या। सरांनी आजच्या दिवसाबद्दल, यूथ आणि स्किल्स बद्दल आपल्याला भरपूर गोष्टी सांगितल्या। सर, त्यासाठी तुमचे माझ्याकडून एमजीएम 90.8 FM कडून खूप खूप आभार। थँक यू सो मच सर। औरंगाबादकर ऐकत रहा आरजे अमृतासोबत एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।